नहाए तो हम है नहीं, चार दिन हो गए, लेकिन ये यूज कर लेते हैं, किसी को मालूम ही ना पड़े कि हम नहाए कि नहीं। शीशा देखो, शीशा 7:15 हो गए यहाँ पे ना, दिन थोड़ी लेट निकलता है, लेट ही छिपता है। मैं भी डे लाइट की वेट कर रहा हूँ, फिर निकलते हैं यहाँ से। मैं कैंप की तरफ देख रहा था, मैं बोला शायद वो गोरा फिर दिख जाए तो मेरे को बोले आ जा नाश्ता भी कर ले। फिर मैंने अपना मुंह उस तरफ कर लिया कि क्यों चांटे खाने किसी से, इतनी हेल्प की उसने, अभी और क्या बाल दे। आगे एक कॉफी की दुकान है, ये शेड की वजह से ना अपनी ब्रेकें ब्रुकें सब बच गई। ये भी टायर चलते हैं, वो भी चलते हैं। ये जो आपको तारें दिखाई दे रही है, तारें ऊपर से नीचे गिरी हुई है, ये सारी कारों को प्लग करने के लिए है। अगर आपको कार बंद करनी है तो आपको कार को प्लग करके रखना पड़ेगा, अदरवाइज आपकी कार फ्रीज हो जाएगी, स्टार्ट नहीं होगी। विंटर में ज़्यादातर टेम्परेचर -50 के पास में रहता है। अभी ये देखो, ये कारें हैं ना, ये सारी प्लग की हुई है तारों से। इसका हाल देखो गाड़ी का, कभी स्टार्ट नहीं की है। देखो प्लग की हुई गाड़ी, ऐसे प्लग कर देते हैं गाड़ियों को। ये एक ही होटल है यहाँ पे, द अरोरा करके, ये उसकी बिल्डिंग है। इसके अंदर बोलते हैं कॉफ़ी शॉप है, वो देखने के लिए जा रहा हूँ, और कुछ खाने के लिए नाश्ता नुश्ता मिल जाए तो करके निकलते हैं यहाँ से। ओह, अंदर तक स्नो का हाल देखो, ओहो क्या हिसाब का है। वो लगती है मेरे Can I get breakfast there? Yeah, over at 7:30, but there's probably still some things. Okay, can I go? Yeah, you can go and then you pay in here. Yeah, no problem, yeah. Okay. Thank you. ये डालने ही पड़ते हैं भाई। अंडे, आलू, आलू आलू कली कलारो, जो भी है भाई खा लो बस। अभी देखो वहाँ शेड के नीचे खड़े थे ना, अपनी सुई 150 तक गर्म हो रही थी। अभी मैंने फुल आरपी में छोड़ा हुआ है, सुई 150 तक नहीं जा रही, क्योंकि इस तरफ ना अपने समुंदर है। वो कार दिखाई दे रही शायद नहीं, उसके उस पर समुंदर है। मैप निकाल के देखो तो मैप में आपको मालूम पड़ जाएगा $18 US का मैंने ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट में आपको मालूम है जो मर्जी खाओ, जो वहाँ पर पड़ा हुआ है, लेकिन 7:30 सुबह इनका टाइम है विंटर का, समर का मेरे को मालूम नहीं। और $150 का एक रूम मिलता है यहाँ पर, अगर आपको कहीं आना है, आपको रूम चाहिए, आप रूम ले सकते हो। लेकिन जितने भी ट्रकों वालों ने यहाँ पे रूम लिया है, सारों की गाड़ी ट्रक स्टार्ट ही छोड़े हुए हैं, ट्रक बंद नहीं की। किसी ने ट्रक बंद कर दिया तो समझ लो कि ट्रक बंद हो गया, बाद में सुबह बूस्ट के बगैर स्टार्ट नहीं होगा, इतनी हालत ख़राब हो जाएगी। अभी हमारा यहाँ से निकलने का टाइम है, क्योंकि डे लाइट शुरू हो गई, लेकिन अभी जो टायर घूमने, क्योंकि अभी अपने पास विंटर टायर नहीं है ना, तो अभी मेन प्रॉब्लम शुरू होगी, क्योंकि अभी अपनी ग्रिप ही नहीं है नीचे, ना ऊपर अपने वजन है जो नीचे को दबाएंगे। तो बस बाबा जी का नाम लेके यहाँ से निकलते हैं, फिर बाबा जी ने लेके जाना, जैसे बाबा जी लेके आए थे वैसे ही लेके जाएंगे, आराम आराम से चलते जाएंगे 40-50-60 के ऊपर। ये नज़ारा देखने वाला है, शायद बाद में इस विंटर में आपको ये नज़ारा ना दिखे मेरी वीडियो के थ्रू, क्योंकि हमारे वाली साइड में ना अभी प्लस टेम्परेचर हो गया, तो जो स्नो है वो ऑलमोस्ट जा चुकी है। लेकिन देख लो, आपके भाई ने सीधा पंजाब से आके पहला ट्रिप कौन सा मारा, प्रूडो वे का। ओए मैन, ओए 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 ओए, कितना पागल बंदा हूँ मैं। लेकिन बाबा जी लेके आए और बड़ा कुछ सीखने के लिए मिला। पता, प्लेन में ड्राइविंग कर करके पागल हो गए थे, असली ड्राइवर तो ये बंदे हैं जो इस रोड के ऊपर चलते हैं, उनका लेवल देखने वाला है। ये देखो कंपनियों के बाहर ना वायरें कितनी लगाई हुई हैं सारी प्लग लगाने के लिए, वो देखो गाड़ियाँ प्लग पे खड़ी हैं। वो आगे भी यहाँ से रोड जाता है, लेकिन हम लोग कल यहाँ पर आए थे डाल्टन हाईवे, उस तरफ को जाके एंड हो जाता है, लेकिन हमको यहाँ से लेफ्ट लेनी है और हमारा वापसी वाला रूट ये बन जाएगा। अगर किसी ने अपना पीछे वाला ब्लॉग नहीं देखा तो पीछे वाले ब्लॉग देखते चले आओ, ताँ जो आपको समझ लगे कि मैं कहाँ कहाँ से होके निकला हूँ। और कई बंदों के मन में इस ब्लॉग को देख के सवाल उठ रहा होगा कि भाई डीजल क्यों नहीं जम रहा -50 में डीजल इसलिए नहीं जम रहा, क्योंकि मैंने एंटी जेल डाला हुआ था पिछले ब्लॉग में, आपने देखा होगा, उसकी वजह से अपना बचाव हो गया। और बाकी मैंने वो शेड के सामने लगा लिया ना, तो मेरी टैंकी को, मेरे ट्रक को सीधी हवा नहीं लगी, उससे बड़ा बचाव हो गया। बाकी अभी जैसे जैसे उधर उस तरफ जाएंगे वापस, टेम्परेचर जो है थोड़ा प्लस की तरफ जाएगा, तो अपनी हालत ठीक होती रहेगी। सत
ਸ਼ਿਕਾਲ ਐਵਰੀਬਾਡੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬਾਈ ਜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਹੋਤੀ ਤੋ ਆਜ ਹਮ ਯਹਾਂ ਪੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚਦੇ ਔਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਮਿਹਰ ਨਾ ਹੋਤੀ ਤੋ ਵੀ ਹਮ ਯਹਾਂ ਪੇ ਨਹੀਂ ਹੋਤੇ ਜੈਡ ਔਰ ਸੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨਾ ਵਾਪਸੀ ਕੀ ਤਰਫ ਤੋ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਿਲਕੁਲ ਪਲੇਨ ਹੈ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਵਹੀ ਹਿੱਲੇ ਚਾਲੂ ਹੋਗੀ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਹੈ ਨਾ ਇਸਕੀ ਮੇਰੇ ਕੋ ਇੱਕ ਬਾਤ ਅਭੀ ਸਮਝ ਮੇ ਆਈ ਇਸਕਾ ਨਾ ਫਲੋ ਔਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਤਾ ਹੈ ਇਸਕੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮੋਟਰਸ ਚਾਹੀਏ ਸਾਥ ਮੇ ਜੋ ਇਸਕੋ ਆਗੇ ਕੀ ਤਰਫ ਧਕੇਲਤੀ ਹੈ ਯਹਾਂ ਸੇ ਆਇਲ ਕੋ ਉਸਕੇ ਲੀਏ ਨਾ ਇਨਹੋਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਪੇ ਨਾ ਪੰਪ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਪੰਪ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜੋ ਇਸਕੋ ਪੰਪ ਕਰਕੇ ਆਗੇ ਕੀ ਤਰਫ ਭੇਜਦੇ ਉਸਮੇ ਸੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਪੰਪ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਆਤਾ ਹੈ ਡੈਡ ਹੋਰਸ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 90 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕੇ ਬਾਅਦ ਮੇ 60 ਮਾਈਲ ਕੇ ਬਾਅਦ ਹੈ ਇਹ ਲਗਾ ਪੰਪ ਸਟੇਸ਼ਨ 2 ਇਜ਼ ਐਨੀਬਾਡੀ ਕਮਿੰਗ ਬਿਹਾਈਂਡ ਯੂ ਓਕੇ ਮੈਨ ओके मैन आई एम गोइंग ये पहली चढ़ाई यहाँ से स्टार्ट होती है वापसी की तरफ ले लो आप भी एक बार बाबा जी का नाम और मैं तो लेता ही आ रहा हूँ अभी अपने 5th व्हील के ऊपर वेट ही नहीं है मैं 5th व्हील की तरफ देख रहा हूँ कि कितना डाउन गया अभी तो डाउन ही डाउन है भाई इसको क्या हो गया यहाँ रोक के बैठा हुआ है अच्छा आगे डाउन हिल आ गई बहुत तगड़ी वाली इसके टायर देखो टायर देख के बड़ा दिल खुश होता है इनके भाई या गो हेड अभी देखो है ये भी एम्प्टी वो पूरा पका के लेके गया मैं भी पका के लेके जाता हूँ मेरे एक दो हिले चढ़ जाऊंगा ना एम्प्टी के साथ में तब मेरे को थोड़ा सा हौसला हो जाएगा कि हाँ नहीं मैं जा सकता हूँ ये तो थोड़ी सी ग्रिप सही है यहाँ पे मैंने दो चार हिले देखी है उधर से आने के टाइम पे जिनमें ग्रिप नहीं थी बिल्कुल भी वो कहाँ गया थे वो कितनी स्पीड में देखो ब्लोइंग स्नो उड़ा के जाएंगे तो मैंने इनको रास्ता ही दे दिया मैं बोला भाई आप लोग जाओ क्योंकि आगे तगड़ी हिल है गो हेड मैन देखता है कुछ आगे नहीं देखता ना इसलिए मैं इनसे गैप डाल के जा रहा हूँ कि कम से कम मेरे को मालूम तो हो कि मैं जा कहाँ पे रहा हूँ अभी तो हम सीख ही रहे हैं ये रोड का हिसाब किताब है कोई और नहीं है अगर आपको रोड दिखाई नहीं दे रहा होगा बहुत दूर है लेकिन अगर आपको दिखाई दे रहा है तो ध्यान से देखो रब की तरफ मुंह हो जाएगा आपके ट्रक का मैंने अपनी लाइफ में ऐसी हिले देखी नहीं क्योंकि तो यही सबसे मेन और डेंजरस हाईवे यूएसए और कनाडा का There you go, man! ये रोड सही है इसलिए मेरे को बातें आ रही है पीछे ग्रिप है ओ! बाबा जी चढ़ की चढ़ाइया ये हिल ऐसी हिल हो जाए ना सारी तो मजा आ जाए भाई फिर एमटी को कोई टेंशन नहीं है ये सबसे लंबी चढ़ाई है जब उधर से आए थे ना सबसे लंबा डाउन था अभी सबसे लंबी चढ़ाई है बस बाबा जी मेहर रखें जहां तक भी आगे निगाह जाती ना वो ऊपर को रोड ही जा रहा है देखो नहीं एडीगुन पास नहीं है एडीगुन पास से पहले ये यहाँ से ना पाइपलाइन आपके नीचे से होके गुजरती जब से ये वाले हाईवे के ऊपर आए ना पहली बार मेरे को जानवर देखने के लिए मिले ये देखो कितने स्नो में भी कुछ खाने के लिए ढूंढ रहे हैं छोटी मोटी पत्तियां हैं क्योंकि इन पत्तियों का तो हाल बुरा ही है देखो आगे देखो ये वादियां सामने एटीगुन पास है अभी 10-20 किलोमीटर के बाद में कोई हाल नहीं है जमा हुआ है पूरा जमा हुआ है जहाँ आपको दूर से दिखाई दे जाता ना ट्रक आ रहे हैं चढ़ रहे हैं ऊपर की तरफ क्योंकि अभी 600 किलोमीटर 700 हम तो ज़्यादा चढ़ के आए क्योंकि हम तो हमने नॉर्थ वाली साइड में चढ़ाई की थी कल और एक यहाँ पे ना अपनी अपनी स्पीड कम कर लेते जब एक दूसरे को क्रॉस करते हैं क्योंकि यहाँ पे नीचे ना ग्रेवल है और ग्रेवल उड़ के शीशे पे लगती है और विंडशील्ड जो है ना वो क्रैक हो जाती है पहले बेचारी ख़त्म हुई बड़ी हर तरफ से इसको जाके बतलाएंगे दूसरे की क्यों ख़राब करनी है भाई इस कॉमन सेंस ये सारा ग्लेशियर है ये वाला भी और ये आगे वाला भी
जब थोड़ी स्नो मेल्ट होगी ना तो यहाँ यहाँ पे स्नो रह जाएगी सेंटर सेंटर में इनके, और ये पूरे खूबसूरत हो जाएंगे। बीसी में ना कोका हिल सबसे ज़्यादा खतरनाक और फेमस मानी जाती है, कोका हिल, क्योंकि उसकी लंबाई बहुत ज़्यादा है। क्योंकि साहब लगाओ वहाँ पे 6% की ग्रेड है, और यहाँ पे आप लोगों ने ग्रेड का आइडिया लगा तो लिया होगा पिछली वीडियो में कि नीचे खड़े होके ऊपर पहाड़ में सीधा दिख रहा है। सिर्फ 1.5 किलोमीटर के अंदर अंदर हम 12% की ग्रेड के हिसाब से पहाड़ी के ऊपर चढ़ जाते हैं। 12-13% की ग्रेड होगी वहाँ पे। एक बार आप ऊपर फंस गए ना तो बाद में सिर्फ टोल वाला ही आपको वहां से निकाल सकता है, क्योंकि वहां से आप नीचे नहीं आ सकते। इसलिए सेफ्टी इसी में दो डाल के चलते हैं। पीछे वाला सफर बढ़िया निकल गया, लेकिन ऐसी फुकरी फुकरी में कहीं ऊपर ना फंस जाए, सही है ना। चेने डालने का सिस्टम तो आपने पिछली वीडियो में बहुत देख लिया होगा, अगर किसी को दोबारा देखना तो पिछली वाली वीडियो निकाल के देखो, क्योंकि यहाँ पे मैं टाइम सेव करूंगा, वीडियो नहीं बनाऊंगा। जल्दी से चेने डालते हैं, चढ़ाई करते हैं ऊपर। हम तो नॉर्मल ट्रेलर लेके आए भाई, जो असली हीरो बंदे हैं ना वो तो ये आ रहे हैं। एक पायलट गाड़ी, तीन पायलट गाड़ियां गई इसके आगे, और ये लोड देखो। ओ कितना बड़ा लोड है, ही इज कमिंग फ्रॉम एटीगुनू पास, एटीगुनू पास से आ रहा है भाई, क्या बात है। झोटा ही आगे वेस्टर्न स्टार का ट्रक है, हैवी स्पेक, दूर से निगाह जाती है इसके ऊपर। कहाँ देखो कितने बड़े, जाओ बस नज़ारे लो। अभी मैंने अपने खाने में से आपको खाना दिया है बॉस। एक दो चारों को लॉक लगा के फिर बाद में बंजियाँ मारनी है। जैसे ड्रोन की हालात है ना, तो मैंने इसमें नया मेमोरी कार्ड डाल दिया खाली वाला। अगर उड़ भी गई कहीं रास्ते में, इसका पंख टूटा हुआ है तो गिर गिर गई, तो यही वाला डाटा होगा, बाकी डाटा नहीं होगा इसमें। ये इतने बड़े बड़े कहाँ है ना, यहाँ पे नेटवर्क यहाँ पे है एटीगुनू पास के आसपास। डरते लोग आते नहीं होंगे, इनके पास में रिश्तेदार बोलते होंगे नो वहाँ बहुत खतरा है। भाई ड्रोन मैंने रख दी है, ये नहीं उठ सकती क्योंकि इसका पंख टूटा हुआ है, ये वाला। सपना सपना रह जाएगा भाई। मैंने कल सोचा था कि जब वापसी पे जाएंगे ना तो बड़े ही अच्छे शॉट आने वाले थे, किस्मत हर बार होता है ऐसा। चलो एक और झटका सही, फिर आना पड़ेगा सिर्फ ड्रोन उड़ाने के लिए। यहाँ पे इतने बहादुर और तगड़े दिल वाले बंदे भी हैं जो साइकिल पे क्रॉस करके आए, -30 टेम्परेचर है और यहाँ जो जा रहे हैं वहाँ -50 है, तो इनको हर शौक तो बनता है भाई। भाई उसकी टोपी देखो जमी हुई है पूरी। बी सेफ मैन, एटीट्यूड पास -30 में सारों के मुंह जमे हुए हैं, हमारा मुंह जम रहा है और ये साइकिल पे गए हैं। जाने से पहले ऐसे पूछना पड़ता है, I'm coming up. खड़ खड़ एटीट्यूड पास तेरे नाल मत्था लाउणा। बाबा जी खड़ा करो, एक बार फिर आपका पुत्र जा रहा है ऊपर, तो अपना हाथ मेरे सिर के ऊपर रखना बाबा जी। 360 मैंने बाहर लगाया हुआ, अगर काम किया उसने तो। एवेलांच एरिया, डू नॉट स्टॉप। अभी तो ट्रक जा रहा है आराम से 8वें में, अभी तो कोई दिक्कत नहीं है। 360 में देखो भाई, दुनिया और ही दिखती होगी, मैं भी जाके देखूंगा घर, लेकिन मेरे को अभी फिलहाल ऐसे देख देख के जाना पड़ रहा है। वो ऊपर पीले रंग का बोर्ड है बाबा जी को ट्रक। भाई नीचे ग्रेवल बहुत ज्यादा है, मेरे टायर स्लिप निकाल रहे हैं, ग्रेवल ही बहुत ज्यादा डाली हुई इन्होंने। और राइट साइड में देखो नीचे दुनिया, कहां पे रोड है, वहां से आए हम नीचे ग्रेवल होने के कारण टायर ऐसे ऐसे कर रहे हैं। और लेफ्ट साइड में स्नो देखो, यहाँ पे पीछे वार्निंग लिखी हुई थी, दिस इज एवेलांच एरिया, बी केयरफुल, रुकना नहीं है कहीं पे भी, बस खिसकते जाओ। कहाँ कहाँ पे आपका भाई ट्रक लेके घूम रहा है भाई, एयर ट्रक तो मिलना चाहिए यार पूरे पास में के नहीं। मेरे टायर स्लिप निकाल रहे हैं भाई।
अच्छा किया ना मैंने नीचे से चेन डाल ली, नहीं तो मैं तो गया था आज काम से। चढ़ के बस थोड़ा ही बाकी है बाबा जी, करो मेहर। आप बोलोगे यकीन नहीं आ रहा होगा, यहाँ पे देखो अगर नीचे निशान आ रहा है ना तो मेरे टायर घूम रहे हैं, ये देखो। टायर चाहे घूम जाए, आपका दिमाग नहीं घूमना चाहिए। जाने दो, जब तक रुकेगा नहीं तब तक कुछ नहीं हो सकता। जाने दो, कीप गोइंग। अगर ज्यादा आपके टायर ज्यादा ही घूमना शुरू हो गए ना, अगर आप एम्प्टी हो तो आराम से थोड़ा सा आरपीएम डाउन कर लो, उससे क्या होगा टायर घूमना बंद हो जाएंगे। और ये लो भाई जी, फते एटीट्यूड पास, एक बार फिर से चढ़ के ऊपर पहुंच गए। बस ओए बस छोटिया बस, काल चैनल 19 बिफोर प्रोसीडिंग। आई एम कमिंग डाउन। एक ट्रक तो मिलना चाहिए भाई, एक ट्रक तो बनता है अपना के नहीं बनता? बनता है। कल हमने आने के टाइम में किया है ना भाई, वो ग्रेड देखो आगे। अभी यहाँ पे ना ग्रेड में जब डाउन जा रहे हैं तब एक चीज का ज्यादा ख्याल रखना है कि ज्यादा खींच के ब्रेक नहीं मारने। नीचे ग्रेवल बिछाई हुई है उन्होंने, क्योंकि ग्रेवल से ना स्नो बट हो जाती है और ग्रिप भी अच्छी होती है लोडेड की, लेकिन खाली का भाई मसला और होता है। तो बड़े ध्यान से कितना होगा नीचे से? 2 किलोमीटर है बस, नीचे से भाई 2 किलोमीटर ही टेंशन है बस। ये स्नो का लेवल देखो, ये एवलांच एरिया है, कभी भी नीचे आती है स्नो यहाँ से भी। और यहाँ पे अगर कोई प्रॉब्लम होगी ना तो आपको ये स्लाइड पास लेफ्ट साइड में पीले पीले बोर्ड लगे हुए हैं, इसका नंबर बताना पड़ेगा कि भाई मैं ये नंबर के पास में खड़ा हूँ, मैं ये नंबर के पास में खड़ा हूँ। अभी मैं ब्रेकों पे पैर नहीं रख रहा क्योंकि मैं एम्प्टी हूँ ना, तो मैंने 7 नंबर गेट डाला हुआ है, 40 के ऊपर जा रहा हूँ आराम आराम से नीचे। जब आपका काम फते हो रहा होता है ना फते, तो आपकी एनर्जी और सलूर ही अलग होता है भाई। ऐसे मेरे को कितने ट्रक क्रॉस करके जा रहे थे, अभी कोई ट्रक नहीं दिखाई दे रहा। 360 में देखो वो नीचे रोड है, यहाँ पे जाके हम नीचे उतरेंगे डाउन। बस पापा जी यही एक मोड़ रह गया बाकी। और देख लो भाई, चढ़ाई का लेवल आपने देख लिया, डाउन का लेवल आपने देख लिया, और मैंने तो बाबा जी का नाम लेके उतार दिया। मेरे को ज्यादा ट्रक नहीं आता, कम बस कोई ट्रक नहीं मिला पूरे पास के अंदर। भाई एक ट्रक तो मिलना चाहिए था, रिकॉर्डिंग में आ जाता भाई। हद हो गई यार, बिल्कुल सारी पहाड़ियों के बीच में एक रोड जा रहा है और आसपास में भर भर के स्नो है। ये लो भाई, ये ब्रिज पे आके एटीट्यूड पास वाली जो हिल है वो समाप्त हो जाती है। इतने गहरे मेरे पैर गए इसमें, मैं थोड़ा सा इधर क्या हुआ भाई, आगे खतरा ही है। और ये आपका भाई का ट्रक और वो रोड है पीछे। बाहर जाके तो बस पंगा ही ले लेता हूँ मैं, लेकिन क्या करूँ वीडियो भी बनानी होती है। मेरे हाथ टूट गए, नंगे हाथों से बाहर गया। अभी ग्लव्स मेरे को थोड़ी दूर से निकालने पड़ते जो चंगे वाले, बाकी दूसरे काम वाले तो गंदे बहुत हुए पड़े भाई। ओ शुक्र है बाबा जी, एटीट्यूड पास की मेन जो पहाड़ी है वो हमने क्रॉस कर ली है। पाइपलाइन पीछे से आ रही है ना, यहाँ से अंडरग्राउंड होगी। देखो ये एटीट्यूड पास अंडरग्राउंड लेके गए, मालूम नहीं कैसे लेके गए, कैसे उन्होंने खुदाई की है, क्या किया है। वो गया 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 वो देखो। अभी मेरे पीछे ये बंदा आया, अगर लाल ट्रक था भाई ये पहाड़ी के ऊपर आना चाहिए था। जो किस्मत में होता है वही मिलना होता है। ये बैरियर आ गए ना दो, ये वाले ये रोड बंद करने वाले बैरियर होते हैं, जो जब रोड खराब हो जाता तो ये बैरियर को आगे करके रोड बंद कर देते हैं। ठीक है, पूरे डाल्टन हाईवे के ऊपर आपको ये वाले बैरियर सिर्फ एटीट्यूड पास के दोनों तरफ मिलेंगे, पहाड़ी चढ़ने से पहले और उस तरफ पहाड़ी उतरने के बाद। तो यहाँ जब एवलांच होता है या वेदर बहुत बैड होता है तो फिर यहाँ से बैरियर बंद कर देते हैं और सबको मालूम पड़ जाता है, क्योंकि ये जो CB-19 चलाते हैं ना भाई, ये गोरे आपस में बात करके जंगल की आग की तरह फैला देते हैं पीछे फिर बैंक तक कि भाई रोड बंद हो गया एटीट्यूड से। तो कोल्ड फुट में जमा हो जाते हैं, क्योंकि कोल्ड फुट के बाद में ऐसा स्टॉप नहीं है कोई भी,
सबसे बढ़िया स्टॉप इस रास्ते में जो ये कोई है तो कोल्ड फूड है, यहाँ पे हमने रात काटी थी बस वही। ये देखो भाई गोरों के शौक देखो, कहाँ कैंपिंग कैंप लगा के बैठा हुआ है, अंदर हीटेड कैंप है और पूरा चिल हो रहा है बर्फ में। क्या बात है यार, ऐसी जिंदगी हम जीने की सोच रहे हैं। हे मैन कमिंग डाउन। शुक्र है भाई कोई बंदा तो देखा मैंने जो मेरे तो मेरे से अलावा भी चेन डाल रहा है। भाई चेने उतार के आया हूँ, एनर्जी वेस्ट हो गई, पहले डाली फिर उतारी, फिर इतनी एनर्जी लगाई, फिर उतारने में भी दूध पी के थोड़ी सी एनर्जी वापस आएगी। ताकत ताकत का बॉर्मेट है ये। बाहर ना हल्की हल्की सी स्नो है, ज्यादा नहीं, लेकिन इन लोगों को पहले ही मालूम पड़ जाता है। ये देखो पहले चेन अप करना शुरू कर दिया उन्होंने। देखो इसके साथ में तीन गाड़ियां हैं ओवर साइज वाली, और ये इतना बड़ा पहले भी गया था ना वो वाला बंदा ये सेम, लेकिन अभी ये चेन अप कर रहा है, उसने चेन अप नहीं किया था, वो ऐसे निकल के गया। चाहे गोरे हमको पूछते चाहे नहीं पूछते, मैं उस बंदे से पूछने के लिए गया, मैं बोला तेरे को मेरा कोई हाथ चाहिए, यू नीड माई हैंड, बोलता है नो आई एम गुड। हमने अपना फर्ज निभाया ड्राइवरी का। एक ओवर साइज लोड वाली गाड़ी, दो गाड़ियां, और इनके पीछे आज छोटा वेस्टर्न स्टार था हैवी स्पेक वाइल्ड लोड के साथ में, और इन्होंने डाली हुई है चार चैने, लेकिन लूज ही है, ज़्यादा इन्हें टाइट नहीं की, ना कोई बंजी डाली हुई ना कुछ भी, बस ऐसे ही सेफ्टी के लिए। अभी ये पूरी चढ़ाई चढ़ के वो ऊपर जाएगा, आपको ऊपर ट्रक दिख रहा है, इसके पीछे एक सेफ्टी वाली कार और है ओवर साइज की। तो टोटल चार कारें गई हैं इसके साथ में, ऐसे ही हमारे वाले लोड थे, जैसे मैं कल के व्लॉग में अपने में बता रहा था ना, कि कल वाले ब्लॉग में बता रहा था कि हमारे भी ऐसे ओवरसाइज के लोड थे, लेकिन इन्होंने अपने को पायलट गाड़ियाँ नहीं दी, बोलते हैं कि ईस्ट इंडियन की कंपनी है या फिर कुछ ऐसा मसला है, और बोलते हैं कि यहाँ पे 20-25% की हिल आएगी और आपके ट्रकों को पुश चाहिए होगी, तो इसलिए आपके ट्रक जा ही नहीं सकते वहाँ पे। वो आगे वाला ट्रक देखो कहाँ पहुँच गया, पता नहीं कौन सा गेट डाला होगा इसने, चौथे पाँचवें में तो जाएगा ही। बहुत चढ़ाई है भाई, बहुत ज़्यादा चढ़ाई, यहाँ से लेके वहाँ तक ग्रेड देखो कितना बनता होगा, एकदम से सारा पहाड़ चढ़ जाते हैं। ये एटीगुन पास नहीं है, उससे पहले आता है अगर आप फेयर बैंक से आ रहे हो ये। अभी हमारे पास ड्रोन होती तो हमारी भी बातें कुछ और होनी थी, मैंने यहाँ पे खड़े होकर ड्रोन उठा के सारा रिकॉर्ड कर लेना था ये वाला सिस्टम, लेकिन फिलहाल अभी कम बड़ी। थैंक यू बॉस। मेरा सपना था कि मेरे को कहीं पक्का रोड मिल जाए जिसमें मार्किंग मुर्किंग की हुई है, अपना सपना पूरा हो गया देखो। ये कोल्ड फूड से पहले प्रूडो बे की तरफ अपने को रहेगा सिर्फ 40 किलोमीटर, यहाँ पे हमने रात गुजारी थी रास्ते में। टायरों के ऊपर टायर और हैवी चैसी लोड करके उसको चैने मार के लेके आते हैं, इससे क्या होगा स्लिप नहीं करता ये खाली, और इसके ऊपर तो थोड़ी ज्यादा ही स्नो हो गई ना, ये तो टू मच हो गया, ये ऐसा लगता है जैसे डुबकी लगा के आया स्नो में से। ये टायरों की मैं फोटो खींच लेता हूँ एक बार। ये दो बंदे हैं, मालूम नहीं उन्होंने बैग में क्या रखा हुआ है यार, ऐसे कैसे लिफ्ट दे दें, ये कपड़े वपड़े भी बहुत गंदे किए हुए हैं, मालूम नहीं कहाँ से आए हैं, क्या हिसाब किताब है, अच्छे भी हो सकते हैं, लेकिन फिर भी दिल में बहुत सारी बातें आती हैं भाई। रास्ते में ना कोई नेटवर्क है ना कुछ है, और मैं भी नया बंदा हूँ, तो ऐसा ना हो कि भाई मेरे घर में खबर जाए, मेरे पास तो इक्विपमेंट और गैजेट ही बहुत होते हैं, तो आपको मालूम है कैमरे कुमरे होते हैं। ये तो बंद ही होगी दो तीन लाइटें, मेन लाइट के ऊपर जाकर देखते हैं, इस तरफ तो अपने को कोई टेंशन नहीं, बस एक लाइट चलनी चाहिए ताकि जो पीछे वाले बंदे को दिखाई देता रहे। कोई स्केल नहीं है इधर, कोई पुलिस वाला आपको दिखाई नहीं देगा पूरे रास्ते में, कोई पुलिस नहीं, कोई टेंशन नहीं, तो मालूम है यहाँ वही बंदा आएगा जिसको खतरों से खेलने की आदत है, और गर्मियों में सबसे अच्छा टूरिस्ट प्लेस होता है ये। सेम प्लेस जहाँ पे हमने ब्रेकफास्ट किया था, आज वहाँ पे लंच कर रहे हैं, और ये आ गया हमारा वेजी बर्गर और साथ में कुछ सब्जियाँ और साथ में ये अनियन रिंग्स। यहाँ पे सारे बंदे जो यहाँ पे होके गए हैं ना, उन्होंने अपने अपने स्टिकर लगाए हुए हैं यार, देखो ऊपर से लेके नीचे तक। मैं सोच रहा हूँ कि चढ़ती कला का स्टिकर बनाऊँ, साथ में एक ट्रक होना चाहिए, आपके क्या विचार हैं, क्योंकि बंदे मोटरसाइकिल लेके आएंगे, बंदे कारें लेके आते हैं, लेकिन हम तो भाई एक ट्रक लेके आए, वो भी सर्दियों में यहाँ पे इतना मुश्किल होता है, वो भी बिना स्नो टायर के। भाई खुल गया, और ये लो ये ओपन हो गया,
Yeah, it's garbage. I have the new man, I will change it. Okay. This man again helping me. Thank you, man. Yeah, you're welcome. Thank you, man. Yeah, thank you. Hello, bhai ji. Apni drone ban jayegi. Mere ko aisa lag raha hai abhi. उसके पास में स्क्रू ड्राइवर की किट थी है, बंदा बहुत हेल्पिंग है यार, टू मच हेल्पिंग। यहाँ पे सामने ना रहने के लिए कैंप भी है, तो लोग जाते हैं ना सर्दियों में यहाँ तक आते हैं कोल्ड फूड तक सिर्फ लाइटें देखने के लिए। इससे आगे मेरे को टूरिस्ट की कोई गाड़ी दिखी नहीं। यहाँ पे रात को नॉर्दर्न लाइट दिखती है हरे रंग की। आंदा झोटा थल योर लागे पूरा। आजा आजा आजा, तेरा योर लग रहा है, तेरे को पूरा रास्ता देंगे, तेरी इज्जत करेंगे पूरी। आजा आजा आजा, हाथ भी उठाया लेकिन हाथ नहीं उठाया, पूरा गुस्से में बंदा। ड्रोन मैंने उठा के देख ली भाई, ड्रोन नहीं उड़ी, ड्रोन का प्रोपेलर खराब हो गया एक, तो ड्रोन तो अभी वापस जाएगी। ड्रोन अपने कर्मों में ये वाले व्यू अभी नहीं आएंगे, जितने भी लिए गए बस कल कल लिए गए, ड्रोन अपना निशान छोड़ के गई है। यहाँ पे उड़ाने की कोशिश कर रहा था, यहाँ से मैंने नीचे जाना था, वो सामने रोड है। आया आया छोटिया, आया आया आया, हरे की इज्जत करेंगे भाई जो उधर से आ रहा है, क्योंकि हम बड़ी मुश्किल से चढ़े थे, लेकिन उस दिन से रोड थोड़ा बेटर हो गया। देखो नीचे ना ज्यादा कालापन हो गया, नहीं तो उस दिन पूरा लिश्क रहा था रोड। और शुक्र है वो इसने हाथ उठाया। बहुत ज्यादा चढ़ाइयां थी इस तरफ भी, उस दिन हम रात को आए थे ना, हमको मालूम ही नहीं पड़ा। देखो रोड कहाँ से होके कहाँ जा रहा है, वो उस तरफ कहाँ ऊपर जाना है हमको। दो किलोमीटर लंबी होगी नीचे से, सारी ग्रेड ही ग्रेड है, ये भी सारी ग्रेड है, और यहाँ से घूम के वहां से वो ऊपर एक ट्रक जा रहा है, मेरे को दिखाई दे रहा है, आपको मैं दिखा नहीं सकता। जैसे मैं इसकी सामने वाली पहाड़ी है ना उसके बराबर एक बार हो जाएंगे, उसके बराबर तगड़े वाला यू टर्न है, और इसकी वजह से अपना मोशन खराब हो गया, क्योंकि मैं ज़्यादा स्पीड में इसको घूम गया ना, ज़्यादा स्पीड में इसको कट भी नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी नीचे ग्रिप नहीं है, निकलने वाला था अभी नीचे से। टर्नों के ऊपर बड़ा ख्याल रखना पड़ता है, ये देखो अपना एंगल ही चेंज कर लेता है उसी टाइम। स्पीड में तो यू मार ही नहीं सकते, इसके ऊपर बड़ा इसका ध्यान देना पड़ता है, जैसे ही ये घूमना शुरू करता है ना उसी टाइम एक्सीलेटर से पैर उठाना पड़ेगा आपको, ये इसकी शर्त है। अगर आपने एक्सीलेटर पे पैर नहीं उठाया, आपका स्टीयरिंग ऐसे हुआ, तो बस जब स्टार्ट होता है ना घूमना, आपको मालूम पड़ना शुरू हो जाता है कि हाँ ये घूम रहा है। दिस इज द वेरी बिग हिल। जाने के टाइम में मैं उतार के कैसे लेके गया हूँ, मेरे को खुद नहीं समझ आ रहा। किसी किसी पुल रोड में ऐसे वॉशरूम बने हुए हैं, मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए लेके आया हूँ कि हम आए कहाँ से हैं। एक बार आपको अंदाजा हो जाएगा अगर मैं वहां तक पहुंच सका तो। कोल्ड फूड से आगे ना सिर्फ एटीगुन पास है जो खतरनाक है। किसी और का योर लग रहा है ओए। आया ये भी नीचे से खाली। गॉबलर्स नॉब है, ये नॉब हिल थी, ये आपको लकड़ी का दिख रहा है, इसके नीचे खड़े होंगे बंदे, और नीचे खड़े होंगे इसको पढ़ सकते हैं, मीन्स की मेरा यहाँ मेरे यहाँ तक आएगा, यहाँ तक ये वाला बोर्ड। इतनी स्नो है यहाँ पे ये वाले लेवल के ऊपर। और अभी देखो ये हिल कितनी बड़ी है, ये नॉब हिल है, वो वहाँ नीचे से वो पीछे एक रोड दिखाई दे रहा है, ये वाला यहाँ से हम आए, वहाँ से घूम के इधर से फिर ऐसे ट्रक दिखाई नहीं देता नीचे से, ऐसे ट्रक आता है जैसे यहाँ से गया ना, ऐसे घूम के इस तरफ आता है, इतनी ग्रेड है इसमें। ये वाली हिल तो अपने से नहीं होगी भाई, इसके लिए तो मेरे को चैने डालनी पड़ेंगी फिर से। वो एक ट्रक वाला जा भी रहा है वहां पे, देखो वो ऊपर एक जा रहा है, उसके पीछे एक आ रहा है ऊपर से, एक जा रहा है और एक और आया, देखो ओहो अभी देखो। और हम कहाँ पे खड़े हैं और कहाँ पे जाना है, अभी मैं सोच रहा हूँ कि रिस्क लूँ बिना चैनों के या ना लूँ। कैसे जाऊँगा मैं, इतनी बड़ी हिल है यार, नीचे से दुनिया और दिख रही है। बाबा जी करो कृपा, चीनी डाल लेंगे फिर वापस आके फिर क्या करना है, लेकिन एक बार ट्राई तो करनी पड़ेगी। मेरा दिल ऐसे धक धक कर रहा है वो वाली हिल को देख के। इसने स्लो किया, अगले की विंडशील्ड टूट गया है। ये वही है भाई यहाँ पे हम फंसे थे, बीवर स्लाइड। अभी मेरे को बोर्ड सामने आया, वो ऊपर वाई कॉर्नर तक जाना है, मैं बस दो ट्रक नीचे आ रहे हैं उनकी वेट कर रहा हूँ, फिर मैं निकलता हूँ इधर से। अगर टायर हो ना नीचे तो डिफरेंशियल लॉक लगा के चारों टायर जोर लगाएं तो ऐसी वाली हिलें आराम से हो जाती हैं। अभी हो सकता है शायद इस तरफ से ये वाला ट्रैक साफ किया हो, वी नेवर नो,
जाके ही मालूम पड़ेगा। अभी उस रात को मेरे को अंधेरा हुआ था, अंधेरा मेरे को ऐसी जगह में हुआ था। दसवां गियर 75 की स्पीड 77 की हो गई, दसवें में रखूंगा मैं, और बड़ा नहीं करूंगा गियर, क्योंकि मेरे को बाद में गियर तो डाउन पड़ना है। लेकिन अगर पीछे से जोर से गए ना तो हो सकता है कि शायद अपना काम बन जाए। 9वां गियर और 62 की स्पीड, चल 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 चोटिया, बीवर स्लाइड बीवर स्लाइड। बाबा जी रोड अच्छा था, रोड अच्छा था, काला काला रोड दिखाई दे रहा है ना, बस काले वाला दोस्त और काले वाला रोड, ये दोनों अपने फेवरेट रोड हैं। काले वाला दोस्त और काले वाला रोड, वाह वाह क्या रैमिंग हो गई। पीछे एक बार दुनिया देखो तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि हम आए कहाँ से हैं। कैसे चढ़ के आए होंगे हम, जब इस तरफ से आए होंगे तो इसी जगह जगह में मैंने कहीं चैने चूने डाली, अभी मेरे को ये भी मालूम नहीं मैंने कहाँ डाली है कहाँ नहीं। यहाँ पे आके ना अंधेरा हो गया था मेरे को, लेकिन मेरे को इतना पक्का मालूम होगा कि ये वाली हिले हुले मैंने सारी चैने डाल के चढ़ाई होगी। अभी यहाँ पे खींच के ब्रेक मत मार लेना भाई, तो नीचे जाने में शॉर्टकट लग जाएगा आपका। चढ़ने वाले बंदे को हमेशा साइड दो। अभी देखो मैंने पूरा स्लो कर लिया ताज, उसको परेशानी ना हो, क्योंकि उसने मालूम नहीं कौन सा गेट डाला होगा और पूरे योर में आ रहा होगा, पूरे योर में। ये ऐसी चढ़ाइयां ना, यहाँ पे गियर एक मिस हो गया ना तो बस आप मिस हो गए पूरी जिंदगी में, आपको पीछे जाना पड़ेगा बैग ले लेके फिर जाके आपका। तो यहाँ पे भाई कौन से टायर काम करेंगे, मेरे वाले तो किए नहीं होंगे पक्का। वो मेरी चेन नीचे गिर गई जंप के साथ में, वो वहां से नीचे गिरी है और यहाँ तक आई। बचाव हो गया, बचाव हो गया, बचाव हो गया। नहीं इसने मड़गाड़ तोड़ना था ये बड़ा। पंगों के साथ में अपनी पुरानी यारी है, अगर ट्रक भगाऊंगा नहीं ऐसे वाला रोड है, बिल्कुल साफ नहीं भगाऊंगा तो सफर नहीं लिबड़ रहा, क्योंकि यहाँ पे स्लिपरी होती है, वहाँ पे वही 30-40-50 के ऊपर जाना पड़ता है। बाहर टेम्परेचर -17 है भाई। चल मेरे भरा एक बार फिर बड़ी निगाह और आंख और कान खुले रखने पड़ते हैं भाई, दोहे टिब्बे बहुत है ना उसकी वजह से ऐसा हो रहा है। खूबसूरती वहाँ ही होती है जहाँ पे बंदे का पहुँचना मुश्किल होता है। ये बड़ी दिक्कत होती है इस रोड के ऊपर ना, जब कोई चौड़े वाला लोड आता है कहीं कहीं रास्ता तंग है। 10 मिनट हो गए खड़े, इन भाई साहब की वेट हो रही थी, ये आया तगड़े वाला लोड लेके आया बंदा, तगड़े वाला। ट्रक का साइज देखो, ट्रक का साइज एक एक्स्ट्रा ट्रक भी जा रहा है साथ में, उसका मालूम नहीं क्या मतलब है, काफी वाइड लोड है ये जितने भी ओवरसाइज पायलट वाले आपको जा रहे हैं ना, कारों वाले पिकों वाले, इन सबको मालूम है कि एपीटी कौन है। मैं जब घूम के आया ना तो मैंने ये वाला रोड देखा तो मेरे एकदम भाई रंग उड़ के, मैं बोला यहाँ से आया था मैं, नहीं रोड तो इस साइड में राइट साइड में। ना यहाँ पे भी सर्विसेज है भाई, रिक्रिएशनल एरिया नेक्स्ट राइट, और ये भाई आ गया सामने से, इसके बाद में मैं ब्रिज चढ़ूंगा। यूकॉन रिवर, ये लकड़ी का बना हुआ ब्रिज है। यहाँ पे भी सर्विसेज हैं भाई, टेलीफोन है और यहाँ पे लॉजमेंट होती है मेरे ख्याल में, स्पीकर भी लगे हुए हैं। ये देखो धीरे आ भाई, धीरे आ भाई, वेस्टर्न स्टार के ट्रक बहुत हैं भाई, हैवी स्पेक ना वेस्टर्न स्टार। दरख्तों के ऊपर स्नो का लेवल देख के मालूम पड़ता है कि यहाँ पे जब स्नो पड़ती है तो लेवल क्या होता है। सारी वादी ऐसे दिख रही, क्योंकि हम बिल्कुल बिल्कुल पहाड़ के ऊपर खड़े हैं। ऐसा हिसाब किताब है इस रोड का कि 2-3 किलोमीटर के अंदर अंदर आप ग्राउंड लेवल से 2-3 हजार फीट ऊपर चले जाते हो। एटीगुण पास 5 हजार फीट के पास में है, वो ऊपर चंद्रमा देखो कितना क्लियर है।
यहाँ पे टेम्परेचर -20 के पास में। मैं तो भाई बार बार बाबा जी का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि कार को देख के मेरा दिमाग हो गया कि अपना ट्रक अपना पूरा साथ दे रहा है। और इसी बात के ऊपर ना ये टेलीफोन तो हमने यूज ही नहीं किया, इसको ऐसे खोलना है, ऐसे इसको ओपन किया, यहाँ पे कहीं नेटवर्क नहीं आता, लेकिन इसका नेटवर्क आपको आएगा ही आएगा। जब तक ये ऑन होता है ना तब तक मैं आपसे और बातें कर लेता हूँ। तो बाहर तो भाई मेरे हाथ फ्रीज हो गए, मैं खड़ी का नंबर लगा के देखता हूँ, अभी मालूम पड़ जाएगा आपके सामने अगर वो जाग रहा होगा तो। सैटेलाइट कॉल है ना, टाइम लगता है इसको लगने में। बैल गई चुकला उठा नहीं रहा भाई, नहीं उठा रहा तो फिर एरियल को करते हैं बंद। ऊपर वाला करे, कभी किसी को इसकी जरूरत ही ना पड़े। चलो यार अंधेरा हो रहा है, ऊपर से मेरे को वीडियो बनानी होती है, वीडियो बनाने के चक्कर में काफी लेट हो जाता हूँ। वन ऑफ द बढ़िया व्यूज में से एक व्यू आया मेरे को ये वाला, ये जो आसपास में दरख्तों में लदी हुई स्नो है ना, देखो सारे आपके नीचे है, इस तरफ देखो। ये बड़ा गंदे वाला डाउन है क्योंकि इसमें टर्न आती है, ये ऐसे गोल गोल घूमेगा जैसे पहले नॉब वाली हिल के ऊपर घूम रहे थे ना। अगर आप अभी तक बने हुए मेरे साथ में तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करो जल्दी जल्दी जिसने नहीं किया। सबसे अच्छा वाला व्यू कौन सा लगा ये बताओ, और सबसे टेंशन कब हुई ये भी बताओ। दूर से भाई इसकी जो टॉवर है ना ट्रक की वो दूर से मालूम पड़ती है, दूसरी वाली हिल के ऊपर मेरे को दिखाई दिया था वो कॉर्नर में वहां पे, लेकिन देखो पूरा दबाया हुआ भाई ने और खींच के चला आ रहा है, खींच के क्या बात है, ले गया नहीं यार, दे दिया गियर इसने छोटा और निकाल दिया धुआं जोश में से बाहर। एक छोटा सा इंसान हूँ, इंडिया पंजाब के एक छोटे से गांव से आया हूँ, ऑस्ट्रेलिया का मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। बाबा जी शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, अपनी लिस्ट में अपने चैनल के ऊपर अभी ये वाली वीडियोस भी शायद आएंगी, क्योंकि यहाँ तक मैं सही सलामत पहुँच गया हूँ। यहाँ से मेरे को 120 किलोमीटर फेयर बैंक रह गया, जहाँ यहाँ पे ये बोर्ड है ना उसके पहले हिल के ऊपर हमने चेन डाली थी ना, अभी मैं इस तरफ से आया हूँ ना मेरे टायर घूमते ही हैं स्पिन होते ही हैं, बड़ी मुश्किल से पीछे एक हिल है वो वाली हिल चढ़ के आया हूँ। ऑस्ट्रेलिया में एडिलेड से बाय रोड पर्थ जाके देखा, इंडिया में साधना टॉप जाके देखा खुद गाड़ी चला के, कनाडा और यूएसए का सबसे डेड लिस्ट हाईवे ऊपर वाले ने अपनी जोड़ी में डाला, वो भी बिना ओपन शोल्डर टायरों के, कस्केडिया ट्रक 500 हॉर्स पावर की मोटर, छोटा है ये भी छोटा। गेटवे टू द आर्कटिक द रोड टू प्रूडो वे, चढ़ती कला भाई जी चढ़ती कला, इतनी ऊंची बोल रहा हूँ कोई आ ही ना जाए बालू बुलू यहाँ। चल भाई मेरे फिर मिलेंगे, तेरा शुक्रिया। बहुत तगड़े वाली डाउन पड़ती है, यहाँ पे मैंने चेने डाली थी, मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ये वाली हिल यहाँ से डाउन जाती है ना, तो यहाँ पे मैंने चेने डाल दी थी। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी लेकिन अभी झेल लेना, और आपके अच्छे अच्छे कमेंट जरूर करना। बड़ा गंदा वाला मोड़ है ये 40 का, ऐसे पीछे से उसने अपनी कमर जी बाहर निकाली तो मेरे को समझ लग गया, मैं बोला गया काम से, उसी टाइम ब्रेकें छोड़ी तो आराम आराम से आया अपनी लेन में। देखा कितनी चढ़ाई है, ये डाल्टन हाईवे यहाँ से स्टार्ट होता है ना भाई, एक बार तसल्ली कराता है बंदे की पूरी। ये देखो आ गया 2 नंबर हाईवे का जंक्शन, यहाँ से राइड जाओगे ना तो 2 नंबर हाईवे को, और यहाँ सीधा जाओगे तो वापस फेयर बैंक को, ये 2 नंबर हाईवे को चला गया ये वाला रास्ता। देखो इतना चौड़ा लोड ये रात को भी लेके जाएंगे डाल्टन हाईवे के ऊपर, और इनकी कोई पाबंदी नहीं है, यहाँ पे 17 फीट वाइड है ये देखो। टेलीफोन तो वापस कर दिया भाई मैंने, लाल निशान हो गए, ये ड्रोन ने काम खराब कर दिया अपना। तो ठीक है भाई, करते हैं इस व्लॉग को भी यहाँ पे समाप्ति, और अपने अपने ओह मेरे बाल बहुत खराब हुए पड़े होंगे, चलो कोई चक्कर नहीं, अभी फिलहाल ऐसे ही सार लो। जाते जाते ना काम जरूर करके जाना, मैंने ना स्टिकर बनाने का सोच लिया कि चढ़दी कला मेरी फोटो होगी या ट्रक की या कैसी फोटो होनी चाहिए या क्या सिस्टम होना चाहिए,
अगर कोई बंदा ऐसा ऐसा लोगो बना सकता है जिसको मालूम है तो मेरे को सैंपल बना के भेजो, तो चेक करें किसका लोगो बढ़िया रहता है, फिर वही लोगो रख लेंगे। क्योंकि मेरे को दिमाग लगाना पड़ेगा, मैं देख के पसंद कर लूंगा, मेरे को वो आसान रहेगा। बाकी सारा कुछ ठीक ठाक होने के बाद में हम पहुंच गए यहाँ पे वापस फेयर बैंक में। फेयर बैंक भी अलास्का का मेन शहर है जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया। वेट करेंगे कल सुबह कहाँ से लोड अपने को आगे मिलता है। बिस्तरा अपना रेडी है, लारा मैंने लगा लिया, ट्रक अपना स्टार्ट ही रखेंगे। यहाँ पे ठंड ज्यादा नहीं है, -10-12 ही है। सबसे लास्ट वाला 200-300 किलोमीटर ना एडिगुन पास के बाद वो सबसे ठंडा था, हार्ड पार्ट। आज के दिन का पता क्या हुआ, डाल्टन हाईवे वाला बोर्ड आया, उससे पहले 2-3 बार मेरा ट्राला मगर पीछे स्किड हो गया पूरा, ऐसा ऐसा ऐसा। और रात को शीशे में मालूम पड़ता थोड़ा कम है, मैंने पीछे देखा मेरा ट्रेला गया बाहर जल्दी जल्दी, मेरा मैं थोड़ी ब्रेकें मार रहा था क्योंकि आगे ना डाउन बहुत ज्यादा आ गई और मेरे को मालूम ही नहीं पड़ा। क्योंकि कभी कभी ना दिन में हमको दूर तक दिखाई देता है, रात को हमको दूर तक दिखाई नहीं देता, उस पर आइडिया होता है ड्राइवर का। बस ऊपर वाले ने बचा बचू के भाई वापस ले आए यहाँ तक और घर भी लेके जाएंगे। आप लोगों का प्यार चाहिए और कमेंट सेक्शन में भर भर के प्यार चाहिए। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, लाइक करके ही जाना। मिलते हैं कल एक और नए एपिसोड में। टिल देन अपना और अपने परिवार का ख्याल रखो, रब रखा भाई जी, चढ़दी कला, रब रखा। जिंदगी का बहुत बड़ा सुकून वाला दिन है क्योंकि मैंने वो वाला रास्ता पूरा कर लिया जिस रास्ते के मैं कभी सपने देख रहा था। ड्रीम देखो इंडिया से आते ही पूरा हो गया, इसे बोलते हैं सोने पे सुहागा। थैंक यू बनता है, ऊपर वाले का सबसे ज्यादा शुक्रिया है ही है, वो तो नाल ही रहे, लेकिन ऋषि पाजी का भी थैंक यू बनता है जिन्होंने अपने को यह ट्रिप दिया। ओपन शोल्डर टायर के बिना ही हम रेंगते चेने वेने डाल के वहां पे पहुंच गए। तो अभी आज रात को ऐसे बेड पे लम्बे पे आके बड़ा सुकून सा मिल रहा है कि भाई क्या बात है, क्या बात है। चलो बाय बाय। Bonnie and Clyde, you can have whatever you like when it's you and I.